दोस्तों रियलमी एक्स टी को फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों इसकी खासियत है 64 मेगापिक्सल कैमरा को लेकर। दोस्तों जब इस 64 मेगापिक्सल की कैमरे के बात को लेकर चर्चा छिड़ी थी तब बहुत सी सारी कंपनियां मोबाइल कंपनियां इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित या बहुत ज़्यादा उत्साहित थी इस विषय को लेकर। लेकिन दोस्तों इन सभी में बाजी मारने वाली कंपनी निकली सोमी और दोस्तों और साथ में रियलमी ने, दोनों कंपनियाँ ने बाजी मारी। बात करें दोस्तों सोमी की, दोस्तों सोमी ने भी चाइना में अपना 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे को फोन को लॉन्च कर दिया जो रेडमी नोट 8 प्रो के नाम से जाना जाता था। साथ में दोस्तों अब सोमी रियलमी ने दोस्तों उससे भी बहुत बड़ी बाजी मार ली, वो भी दोस्तों इसने रियलमी एक्स टी को भारत में से सबसे पहले लॉन्च करने वाली कंपनी बन गई। जैसे कि दोस्तों रियलमी ने दावा किया था कि भारत में सबसे पहले हम ही लाएंगे अपना 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे वाले फ़ोन को, तो दोस्तों उसी वादा के अनुसार इसने अपना 64 मेगापिक्सल वाला कैमरे वाला फ़ोन को ला दिया। सिर्फ बात करें दोस्तों इससे सबसे पहले इस फ़ोन की कैमरा की डिज़ाइन और कैमरा को लेकर, तो रियलमी एक्स टी में दोस्तों रियलमी 64 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन रूप में जाना जाएगा, जो दोस्तों इस फ़ोन की सबसे बड़ी यूएसपी का इसका कैमरा सेटअप है, जो कंपनी ने इस फ़ोन में सैमसंग के आईसो सेल ब्राइट GW1 तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस टेक्नोलॉजी को 9216x6912 रेजोल्यूशन वाली अल्ट्रा हाई पिक्सल इमेज कैप्चर की जा सकती है। फोन में बैक पैनल पर 4 कैमरे सेंसर दिए गए हैं जिसमें दोस्तों 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके साथ ही रियलमी एक्स टी में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सपोर्ट करता है। रियर में पैनल पर ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का है माइक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें रियलमी एक्स टी में 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX का 4.7A1 का फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है। इस फोन का कैमरा नाइट स्केप मूड और माइक्रोम कास्ट जैसे फीचर्स से लैस है जो बेहतरीन फोटो कैप्चर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के लेकर। तो सबसे पहले बहुत इसकी बात करें स्मार्टफोन के लुक और डिज़ाइन को लेकर, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा लुक और डिज़ाइन गई है। कंपनी ने अपने फ़ोन को वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और पेश किया गया है जिसके दोस्तों डिस्प्ले के तीनों किनारे बेजल लेस हैं। वहीं ऊपरी की ओर छोटी सी वी शेप की नॉच दी गई जो रियलमी ने इस ड्यू ड्रॉप नॉच के नाम से दिया है। रियलमी एक्स टी को कंपनी ने ग्लास पैनल पेश किया है जो देखने में ही प्रीमियम एहसास कराता है। रियलमी एक्स टी क्वाड रियर कैमरा सपोर्ट करता है जो फोन के बैक पैनल में 4 कैमरे सेंसर दिए गए हैं जो ऊपरी बाईं ओर वर्टिकल शेप में दिए गए हैं। इस कैमरा सेटअप में 4 सेंसर एक ही रिंग में मौजूद हैं तो तथा सबसे ऊपर दिए गए कैमरा एक बात करते तो सेंसर के चारों ओर पीले रंग का आउटलाइन दी गई है। इस सेंसर में 64 मेगापिक्सल लिखा हुआ है। रियर कैमरा में सेटअप की दाईं ओर फ्लैश लाइटिंग मौजूद है। बैक पैनल पर नीचे की ओर रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है और रियलमी एक्स टी की साइड पैनल पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं। वहीं नीचे की ओर बात करें तो दोस्तों इसमें पॉट सीट मौजूद है। दोस्तों इससे कहे बॉडी और बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही बेहतर दी गई है। वही दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं फ़ोन के बाकी स्पीकेशन की, तो जिसमें फ़ोन की फीचर स्पीकेशन की बात करें तो रियलमी एक्स टी में 6.4 इंच का सुपर एमोलेड ड्यू ड्रॉप नॉच सपोर्ट करता है जो यह फ़ोन में ग्लास बॉडी पर बना है, जिसकी सुरक्षा के लिए दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए रियलमी एक्स टी ने फ्रंट और बैक पैनल पर दोनों ही तरफ दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, जो दोस्तों कह सकते हैं इसकी प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 का ही जो दिया गया है। यही दोस्तों स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 9 पर आधारित कलर OS 6 पर पेश किया गया है जिसमें प्रोसेसिंग के लिए इस क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 AI चिपसेट दिया गया है। वही ग्राफिकिंग के लिए इसमें फ़ोन में एंड्रोनो का 660 GPU दिया गया है। रियलमी ने अपनी इंडिया में रियलमी एक्स टी स्मार्टफोन को 3 वेरिएंट में पेश किए हैं, जो फ़ोन की सबसे छोटा वेरिएंट 4GB रैम मेमोरी के साथ जो 64 GB की इंटरनल स्टोरेज की सपोर्ट करता है। फ़ोन में दूसरे वेरिएंट की बात करें तो 6GB रैम की और है जो तथा यह वेरिएंट 64GB इंटरनल स्टोरेज भी लेस है। इसी के दोस्तों रियलमी एक्स टी ने सबसे बड़ी वेरिएंट भी कंपनी ने 8GB रैम के साथ उतारा है जिसकी इंटरनल मेमोरी की बात करें तो 128GB इंटरनल मेमोरी सपोर्ट करता है। रियलमी एक्स टी में डुअल
सिम फोन है जो 4G VLTE सपोर्ट करता है। फ़ोन में बेसिक कनेक्टिविटी के लिए फीचर्स के साथ ही सिक्योरिटी और फ़ोन में अनलॉकिंग के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जिसकी इसकी दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स इसकी यही एक कीमत शायद इसकी वजह से बढ़ा दिया है। इसी तरह से पावर बैकअप के लिए यह स्मार्टफोन 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जो बुक 3.0 फास्ट चार्जिंग की तकनीकी पर लैस है। इसमें 4000 mAh की बैटरी सपोर्ट करता है जिसमें USB टाइप सी या चार्ज के दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे बात अहम रही इस फ़ोन के लेकर जो इसमें दोस्तों बताया जा रहा है इसकी कीमत को लेकर, तो इस फ़ोन के किस कीमत में उतारा गया है जिससे आपको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो बात करें दोस्तों इस फ़ोन की शुरुआती कीमत उतारी गई है 15,999 रुपये, जिसकी दोस्तों इसकी 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाली की कीमत रखी गई है। वही दोस्तों 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाली की कीमत की बात करें तो 16,999 रुपये रखी गई है। वही दोस्तों 8GB रैम इसकी 128GB इंटरनल स्टोरेज वाली कीमत कर जो पावरफुल रैम वाली बात करें तो इसमें 18,999 रुपये रखी कीमत रखी गई है। तो दोस्तों इसकी जो कलर वेरिएंट की बात करें इसमें XT में पर्ल ब्लू और पर्ल वाइट कलर से जो, और इसकी दोस्तों 16 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए अवेलेबल होगा। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग बताइएगा इस फ़ोन को बॉडी और बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स को जानकर क्या ये रेडमी के नोट 8 प्रो को मुकाबला कर पाएगा। फिलहाल दोस्तों इसकी कीमत भारत में तो रेडमी की दोस्तों जो अभी आई नहीं है, भारत में लॉन्च हुआ नहीं है, तो भारत में इसकी कीमत की दोस्तों यही इसी की लमसम मान सकते हैं जैसे कि चाइना में इसकी कीमत रखी गई है रेडमी नोट 8 प्रो की, तो जिससे 18 उसी की कीमत इसे रहेगी। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दिया, इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और इसमें दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो कई मामले में कह सकते हैं ये सोमी की रेडमी नोट 8 प्रो से काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों इसमें गेमिंग के लिए बात करते हैं, गेमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है फ़ोन, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है 712 का दिया गया क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का जो गेमिंग प्रोसेसर है जो बहुत ही बेहतर प्रोसेसिंग करने वाला है। तो आप लोग इस फ़ोन को मैं सजेशन दूंगा क्योंकि इतनी अच्छी स्पीकेशन के साथ दोस्तों इसके 15,999 रुपये में आपको फ़ोन मिल जाता है, तो दोस्तों इससे बेटर आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, आपको ये फ़ोन कैसा लगा, आपके इस फ़ोन में दिए गए फीचर्स या दोस्तों इसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ में दोस्तों हमें ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई वीडियो लेकर आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तक ले जय हिंद वंदे मातरम।